Yeah, so basically we are saying कि retinoblastoma derive होते हैं during fetal life from retinoblast, basically उनकी uncontrolled differentiation से. अच्छा, if you talk about the histopathology, there is a lot of variability. Undifferentiated cells पर भी composed हो सकता है और differentiated पर भी. अगर cells undifferentiated type के होंगे तो they will be quite closely packed and hyperchromatic. अगर डिफ्रेंशिएटेड सेल्स पर कंपोज होगा तो जो सेल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली रिजेंबल करेंगे नॉर्मल रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स को. इसके अलावा जो ग्रोथ पैटर्न है ना, दैट ऑल्सो शोज वेरिएबिलिटी. वी यूज टू टर्म्स, ये याद रखना है, एक्सोफिटिक एंड एंडोफिटिक. जो नॉर्मल आईबॉल है ना, उसमें सबसे बाहर जो लेयर होती है वो स्क्लेरा होती है, फिर अंदर की तरफ कोरॉइड और फिर रेटिना. यानी रेटिना इनर मोस्ट लाइनिंग होती है आईबॉल की, एंड फिर जाहिर सी बातें विट्रियस कैविटी होती है फिल्ड विद विट्रियस ह्यूमर. अगर ये जो ट्यूमर जो कि अराइज कर रहा है रेटिना से, इफ़ इट ग्रोज इन टू द विट्रियस कैविटी, अगर विट्रियस कैविटी में ग्रो कर रहा है तो इस पैटर्न को हम कहते हैं एंडोफिटिक पैटर्न. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये ट्यूमर ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द कोरॉइड यानी इन टू द सब रेटिनल स्पेस, तो फिर हम इस पैटर्न को कहते हैं एक्सोफिटिक पैटर्न. एक्सोफिटिक पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट पोजेस द रिस्क ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी. अच्छा, मेटास्टेसिस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एज आई प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड इट एज बीइंग ए कंजेनिटल मेलिग्नेंट ट्यूमर. और मेटास्टेसिस की सबसे कॉमन साइट क्या होती है? बोन्स. बोन्स में ये कॉमनली मेटास्टेसाइज करता है. मैंने आगे ना बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स को डिवाइड किया हुआ स्टेजेस में. एक होती है क्विसेंट स्टेज. क्विसेंट का बेसिकली मतलब ना रेस्टिंग होता है. एक होती है इन्फ्लेमेटरी स्लैश ग्लाइकोमेटस स्टेज, और फिर होती है एक्स्ट्रा ऑक्युलर एक्सटेंशन वाली स्टेज. क्विसेंट स्टेज लास्ट करती है अप्रॉक्सीमेटली 6 months to 1 year तक. अच्छा, अगर इस टाइम पीरियड में पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना, यानी डायग्नोसिस हो गया विद इन द फर्स्ट ईयर और विद इन द फर्स्ट 6 months, तो इट्स नॉर्मली बिकॉज ऑफ आइदर ल्यूकोकोरिया या फिर स्क्विंट. 60% केसेस में जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है ना, वो होती है ल्यूकोकोरिया की. नॉर्मली व्हेन यू शाइन लाइट इनटू द पीपल, तो दैट लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द रेटिना एंड आपको बेसिकली एक रेड रिफ्लेक्स मिलती है. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस इन योर वार्ड, यू माइट हैव सीन इट व्हेन समवन हैज़ देयर पिक्चर टेकन. समटाइम्स इनका पीपल रेड लगता है. इट्स क्वाइट डिमोनिक एक्चुअली. दैट इज़ बिकॉज वो लाइट सीधा पीपल के थ्रू रेटिना में गई और रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई, एंड दैट इज़ वाई द पीपल अपीयर्स रेड. दैट इज़ अ नॉर्मल रिफ्लेक्स. In someone with retinoblastoma, that normal reflection is prevented by the presence of the tumor, and so characteristically bilateral whitish, बल्कि bilateral white pupillary reflex आती है, and that can be elicited via ophthalmoscope by the ophthalmologist.